तो ये शंकर पाई आप देख सकते हैं, इसे ना परफेक्ट मेजरमेंट से और एकदम खस्ता बनकर ये तैयार हो जाती है, एकदम खस्ता फ्लेकी, और मुंह में रखकर ये घुल जाती है, इतनी बढ़िया बन जाती है। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा, वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हम बना रहे हैं शंकर पाड़ी। शंकर पाड़े, शक्कर पारा इसे भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, स्नैक डिश है, दिवाली के टाइम बहुत हर घर में बनती है। तो मैंने सोचा कि ये ऑथेंटिक वर्जन आपके साथ शेयर करूँ। बहुत बढ़िया बन जाती है, खस्ता भी बन जाती है, एंड द गुड थिंग ना कि आप मैदे की जगह आटा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सेम प्रपोर्शन बस आटा यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी हिंदी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 1/4 कप दूध। अब गैस करेंगे स्टार्ट और उसी के साथ 1/4 कप चीनी, तो इक्वल प्रोपोर्शंस में हमें चाहिए। और ये कंबाइन करके तब तक कुक करेंगे जब तक ये चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो ये बॉईल वगैरह नहीं करना है, बस ये चीनी पिघल जाए तब गैस बंद कर लेंगे। दूध बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म हो जाए और चीनी अच्छे से घुल जाए। देखिए, अब चीनी अच्छे से घुल चुकी है दूध के साथ। अब दूध वार्म रहना चाहिए, बहुत गर्म नहीं। इसमें डालेंगे 1/4 कप देसी घी, वनस्पति भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, और ये कर लेंगे मिक्स। दैट्स इट। तो ये हमारा बेस मिक्सचर बनकर तैयार है। तो ये जो मिक्सचर है, 1/4 कप दूध, 1/4 कप घी और 1/4 कप चीनी, इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें जितना आटा या फिर मैदा बैठेगा उतना हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, तो ये परफेक्ट प्रपोर्शन है। जितना भी मैंने रेसिपी ट्राई किया, 2 से 2.5 कप, इन बिटवीन 2 टू 2.5 कप मैदा यूज़ करते हैं इस प्रपोर्शन में। अगर आप गेहूँ का आटा लेते हो तो सेम प्रपोर्शन। तो ये अब मिक्सचर पूरा मैं इस मैदे में डालूंगी। अभी तो मैंने 2 कप मैदा लिया है, अब ये पूरा मिक्सचर में मिक्स करूंगी। अगर मुझे लगा कि नहीं, ये आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, तो मैं और मैदा इसमें ऐड करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो पूरा मिक्सचर में इसमें डाल रही हूँ। और ये पूरा मिक्स कर कर इसका आटा लगा कर लेना है, थोड़ा सा सख्त आटा हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये आटा ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। दैट्स इट। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी हिंदी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। चलिए, तो आटा लगकर ये है तैयार। तो ये ऐसा ही आटा रहता है, देखिए आप, सूखा सूखा है, बहुत सॉफ्ट नहीं रहता, जैसे चिकना नहीं हमें बना कर लेना, जैसे हम रोटी वगैरह बनाते टाइम बनाते हैं, वैसे बिल्कुल भी ये आटा, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ऐसी फ्लेकी फ्लेकी चाहिए, तभी जाके शक्कर पारा हमारा एकदम खस्ता बन जाता है। अब ये 2 पोर्शन में डिवाइड करके हम शक्कर पारी बना लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें थिक रोल करना है, और ये क्रैक्स भी बहुत नॉर्मल है। अगर खस्ता शक्कर पारा आपको चाहिए, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो मैं थोड़ा सा थिक रखती हूँ, बहुत पतला नहीं रखती, तकरीबन इतना। अब इसके एजेस कर लेंगे कट, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। यस, और आपको जो चाहिए वो शेप आप यहाँ पर दे सकते हो। चलिए, मैं थोड़ा ट्रायंगल और शेप ट्राई करती हूँ। परफेक्ट। देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये शंकर पाई बनाकर तैयार रखी है। आप देखिए, बहुत बढ़िया बन चुके हैं। अब तेल भी गर्म हो चुका है, लो टू मीडियम हीट पर ही हमें ये फ्राई करनी है। हाई हीट पर तेल 3 से 4 मिनट आप गर्म कर सकते हैं, फिर हीट रिड्यूस कर लो टू मीडियम हीट पर फ्राई करनी है।
ये दिवाली की कोई भी चीज़ है ना, लो टू मीडियम हीट पर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है ना, अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से उन्हें फटाक से कलर आ जाता है। तो बस ये थोड़ा थोड़ा छोड़कर हम फ्राई कर लेंगे, अच्छे से डीप गोल्डन कलर आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये शंकरपारी तलकर एकदम तैयार है। वाह, कलर भी एकदम बढ़िया आया है और बहुत अच्छे से फूल चुकी है। जैसे बिस्किट्स रहते हैं ना, या फिर नान का टाइप, ऐसे अच्छे से फूल कर आई है ऊपर। अब ये निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर के ऊपर। वाह, कलर देखिए आप इसका, टेक्सचर देखिए। अब ऐसे ही बची हुई सब शंकरपाई हमें तल कर लेनी है। खस्ता शंकरपाई बनकर तैयार है, ज़बरदस्त दिख रही है, आप देख सकते हैं इसे लेयर फ्लेक्स बहुत ज़बरदस्त आ गए हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई करके देखिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। मधुराज रेसिपी।